इससे पहले हम कुछ कहे गणेश जी के, हम कुछ नाम ही ले लेते हैं। श्लोक में तरह तरह, स्तुति में तो आप सबने किया। लंबोदर गजबदन गणनायक विघ्नेश, वक्रतुंड गौरी सुवन, रंभ गजाश गणेश। बोल देना। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघते गिरिम, यत कृपा तमहम बंदे परमानंद माधवम। तो परमानंद माधवम को तुमने नहीं देखा, लेकिन वाचाल करने के लिए आप सबको ईश्वर स्वरूप में देख रहा हूँ। तुलसी जयंती कहते ना, कविता करके कविता नलसी, कविता नलसी पा तुलसी की कला। तो तुलसीदास जी का चल रहा है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले बखवारा बीत गया, उनको भी याद कर लेते हैं। एक त्यौहार अभी 2-3 दिन पहले बीता है, 2-3 लाइन उस पर हम बोल देंगे। तीज का त्यौहार था। क्या समय था, आप सब जो यंग हैं उनको तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो 50+ हैं, 40 साल पहले के सीन देखिए क्या होता था समाज में, कितना आनंद था। झूले में लोग झूलती थी युवतियाँ। तरनी कै तनुजा कै तमाल कै तरे, तीज की तैयारी तकी आई अखियानों में, प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी छोरी, झूलत हिंडोरे पर सुहाई अखियान में। ये सीन होता था समाज का। हम लोग दूसरा जो झूला होता था तो कहते हैं कि लड़कियां झूलती थी और उसको पेंग मारने के लिए साइड से कुछ सेलेक्ट लड़के रखे जाते थे जिनके संस्कार अच्छे होते थे, वो समाज के मनचले नहीं। और इस त्यौहार में जो कमियां आई हैं, अब आप ये कहते हैं ना सनातन धर्म, उसको ध्यान में रखते हुए एक बार खासकर तीज के त्यौहार पर हम में से कुछ लोग मंदिर में जा कर के अपना ड्यूटी करें, देखें क्या हो रहा है, उसको जगाने की कोशिश करें। इस मंच के माध्यम से मैं एक आप लोगों के सामने एक संदेश दे रहा हूँ, जिस लेवल पर जहाँ भी है कोशिश करें, उसमें कमियाँ आ रही हैं, वो चीज़ें जो है बाहर से जा हटती जा रही हैं। और बहुत ही आनंददायी रहा, एक बार आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए।